Hi guys, welcome to my channel. I am Sanya this side, and if you're new to my channel, then please do subscribe. So today's video is gonna be about my birthday blog. So basically, आज है मेरा birthday. I am going to be 20 years. आज है 31 July. So I am like बहुत ज़्यादा excited for today. So मैंने सोचा why not I film everything जो भी आज मैं पूरे दिन करने वाली हूँ अपने birthday पे. So मैंने आज सोचा कि मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूंगी एंड आगे भी लाइफ में अच्छे अच्छे काम करूंगी. सो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है और फन होने वाली. यू गाइज गोइंग टू लव इट. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल लास्ट. सो गाइज मैंने शार वगैरह अपना ले लिया था और मैंने ये आज आउटफिट पहनी है. मैं अभी आपको पूरी दिखा दूंगी. अभी हो रहा है 9 o'clock कुछ अराउंड. तो मैं अभी बेसिकली जाऊंगी पूजा करने बिकॉज मेरा आज फास्ट भी है. ऑब्वियसली मैं रात में जाके उसको तोड़ूंगी बिकॉज शिव जी का जो फास्ट है हम रात में तोड़ लेते हैं. आज मंडे भी है एंड मैं सारे जितने भी सोमवार है शिव जी के मैं व्रत रख रही हूँ. और जो जो भी लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप रह रहे हो कहीं लग रहे हो. सो मैं आपको अपनी आउटफिट दिखा दी. तो मैंने ये अमेजोन से बाय करी थी. सो दिस इज द आउटफिट गाइज. ये पर्पल कलर का प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी पूरा कुर्ता सेट है. यहाँ नीचे इसके पजामा भी आई होप आपको दिख रहा होगा. और इसकी ये प्यारी सी चुन्नी है. मेरे को इसकी चुन्नी बहुत ज्यादा पसंद है. सो मैंने ये रिसेंटली बाय किया था. मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहां से जाके देख सकते हो. और ये कुछ मुझे सिर्फ 700 अराउंड पड़ा था एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है. उसके बाद मैंने पूजा की थाली लगाई थी जैसे जैसे मम्मी ने बताया था. बेसिकली मेरी मम्मी प्रदीप मिश्रा जी को फॉलो करती हैं. जिसको पता है उनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड बेसिकली वो शिवपुराण सुनाते हैं. एंड जब से वो भागवत कथा वगैरह सुनाने लगे हैं पीपल आर मोर डिवोटेड टू शिव जी. मतलब पहले भी पूजा करते थे बट उनके आने से अब लोग ज़्यादा पूजा करते हैं एंड जुड़ गए हैं शिव जी से. तो मेरे घर के पास ही एक शिव जी का मंदिर है तो मम्मी के साथ मैं वहीं गई थी. फिर मम्मी मेरे को बताते गई कि ऐसे ऐसे पूजा करनी है बिकॉज थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि हम तो बच्चे हैं इतना हमको नहीं पता. पर मम्मी वगैरह करेक्ट करा देती हैं. तो वैसे ही मैंने सारी पूजा करी और एक मंत्र है वो हमेशा बोलते हैं कि हमको बोलना चाहिए. वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. शिव जी की पूजा करने के बाद वहाँ भारी पेड़ था तुलसी माता का तो मैंने उनको भी टीका एंड प्रसाद चढ़ाया था. मेरे घर के पास काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं तो मैंने उन सबको बुलाया. मैंने बोला आज मेरा बर्थडे है तो मैं तुम सबको कुछ दूंगी. एंड दे ऑल वर सो हैप्पी. मतलब अलग ही लेवल के हैप्पीनेस थे. आई फील दे आर नॉट इवन प्रिविलेज टू गेट एजुकेशन. व्हेन आई सी देम तो मुझे लगता है आई एम वेरी लक्की. मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें मिली हैं उनको तो वो भी नहीं. एंड लास्टली दे ऑल वर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे महक दीदी बिकॉज मेरा घर का नाम महक है एंड वो लोग मुझे उसी नाम से जानते हैं. आप लोग सोच रहे हो ये कौन आ गया. बेसिकली शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में. वो नोएडा रहती है और मैं फिरोजाबाद रहती हूँ. हम बेसिकली 3 महीने में एक बार मिल पाते हैं. सो बेसिकली हम ट्राई करते हैं जब भी हमारा बर्थडे हो तो हम एक दूसरे के बर्थडे पे एक दूसरे के साथ हो बिकॉज वही हमारे लिए सबसे बिगेस्ट गिफ्ट होता है. सो मैं उसके बाद उसके बहुत सारा प्यार करी थी बिकॉज उसने इतना प्यारा मेरे बर्थडे के लिए बोला था. फिर उसके बाद उसने मेरे को सारे गिफ्ट दिखाए जो भी उसने मेरे लिए बाय करे हैं. सो वी वर टेस्टिंग द परफ्यूम बिकॉज उसने भी पैकेज नहीं खोला था वो कैसा था. एंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स आर सो गुड. मतलब उसने इतने सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए. मैंने सारी क्लिप्स भी नहीं ले पाई सारे गिफ्ट की. तो उसके बाद मेरी दादी मुझे पैसे दे रही थी बिकॉज हमारे यहाँ पर ये नियम है जब भी जिसका बर्थडे होता है बच्चों में तो दादी उनको पैसे देती हैं. फिर उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने पेड़ लगाया था. मेरा बहुत टाइम से मन था कि मेरा जब भी बर्थडे आएगा तो मैं एक पेड़ लगाऊंगी. एंड बेसिकली मेरा मन था कि मैं रोज़ का पेड़ लगाऊं तो मैंने वही किया. मैंने इस पर 20 भी लिखा था बिकॉज मैं 20 की हो गई हूँ. एंड मैंने इस पर अपने सिग्नेचर भी किए थे बिकॉज मैं जब भी इसको देखूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने अपने बर्थडे पर लगाया था. एंड फाइनली आई एम इन माई 20s. उसके बाद रात में मैंने अपनी आउटफिट चेंज कर ली थी बिकॉज हम सब लोग डिनर पर जा रहे थे बेसिकली जितने भी कजिन्स हैं हम लोग. सो दिस इज़ द आउटफिट दैट आई वॉर. ये बेसिकली एक जंपसूट था. मैं आउटफिट की पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो. एंड लिटरली गाइज आउटफिट बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड बॉम लग रही थी. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सेक्सी तो आप डेफिनेटली इस आउटफिट के साथ जा सकते हो. फिर उसके बाद हम बेसिकली निकल गए थे बिकॉज हमारे यहाँ से कैफ़े 1 घंटे दूर था. हम सब गए थे दास सॉल्ट कैफ़े जो बेसिकली आगरा में सिचुएटेड था. द कैफ़े वॉज वेरी एस्थेटिक और काफ़ी ज़्यादा प्यारा बना हुआ था. कैफ़े में आउटडोर इंडोर दोनों चीज़ें. हम लोग तो इंडोर ही रुके थे बिकॉज हम लोगों को स्पेस की ज़्यादा नीड थी एंड इंडोर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस थी एज़ कम्पेयर टू आउटडोर. सो हमने उसके बाद खाना वगैरह ऑर्डर किया था बिकॉज उसके बाद हमको केक कटिंग करनी
करनी थी, तब तक हमने सोचा खाना वगैरह आ जाएगा तब तक हम सारी चीज़ें फिनिश कर लेते हैं। एंड इतने सारे लोग गए थे, मैंने सब लोगों की क्लिप्स ली थी जो भी थी। एंड ये मेरी दीदी की लाली थी गाइज, इतनी ज़्यादा क्यूट है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। इसको आई फ्लू हो गया था ना तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। फिर उसके बाद मैंने अपना केक कट किया, मैंने आपसे बोला था आउटफिट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने काफ़ी ज़्यादा खाना ऑर्डर किया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ गुड कैफे इन जहाँ की वाइब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो एंड इवन द प्रॉपर्टी एंड द फूड वॉज ऑल्सो वेरी टेस्टी। लास्टली मैंने अपना केक की एक बाइट खाई थी। सो आफ्टर दैट वी हेडेड टू अवर होम। दिस इज़ हाउ आई स्पेंडेड माई बर्थडे। सो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय गाइज।